Lakshmi Prabha and welcome to my channel Combined CS The Extra Step. In today's video lesson, I am going to give you a short idea about agile methodology. This is one of the most important topic for your upcoming examinations. Either that exam will be related to your UGC NTNet or NIC, Kendriya Vidyalaya or Navodaya Vidyalaya. Whatever the examination is, this topic is very much important, dear friends. So, this is all about myself, what I have done, what are my teaching skills are. Moving to the next is, whatever topic I have discussed earlier is, in previous video, I have already covered what are the comparison between different process model. Let me tell you friends, this is a crash course type videos. Isme hum kya kar rahe? Pura detail mein topic ko main explain nahi kar rahi hun. मैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको उसका क्विक रिविजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ उसी पॉइंट पे फोकस कर रही हूँ जो आपको एग्जामिनेशन टाइम्स के विदिन अगर सपोज 10 to 15 डेज अगर आपका रिमेनिंग है तो आप क्विकली इन वीडियोस को देखकर आप अपने शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन पेज बना सकते हो, सिंगल रिविजन पेज बना सकते हो और इजिली उन सारे टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सकते हो. सो मैंने प्रीवियस वीडियो में जितने भी प्रोसेस मॉडल्स हैं दैट इज ट्रेडिशनल मॉडल्स उसको हमने कवर किया है with previous year questions of certain examinations. So, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें. All the links are given in the description box. In today's video lesson, I am going to discuss about agile process model, which is most expected for your 2020 examinations, either वो university entrance का exam हो, either वो PhD entrance का exam हो, फिर either जो भी BTech के या BCA के बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है डियर फ्रेंड्स. इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस पूरे वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि अगर आप इस पूरे सीरीज को फॉलो करेंगे तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू कवर बिकॉज इट इज लाइक क्रैश कोर्स. और लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, आई एम ऑल्सो कवरिंग दोज टॉपिक विच कम्स बाय माई लर्नर्स, जो उनके डिमांड बेसिस पे मैं फ्रीली उस टॉपिक को कंपाइल करती हूँ. तो वॉट एवर योर डिफिकल्ट टॉपिक इज प्लीज राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट विद इन वन डे और टू डेज मैं आपको उसका वीडियो लेसन जरूर प्रोवाइड करूंगी. नाउ क्विकली मूविंग टू द आवर टूडेज टॉपिक इज एजाइल प्रोसेस मॉडल. तो सबसे पहले मेरा ये कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द टॉपिक इटसेल्फ रिवील. दैट इज एजाइल मीन्स इट इज अ करैक्टरिस्टिक बाय क्विकनेस, lightness and ease of movement, or we can say it is mentally quick, alert or an agile mind. आप इस तरीके से समझिए, आपके घर में एक ऐसा चिल्ड्रन है जो गॉड गिफ्टेड है, उसका माइंड इतना शार्प है कि वो बहुत छोटे से ही एज में उसका माइंड इतना ग्रो कर रहा है कि वो बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट टास्क को परफॉर्म कर रहा है जो बहुत बड़े लोग नहीं कर सकते हैं. इट मीन्स वॉट कि he is अजाइल पर्सन, उसके पास एक अजाइल माइंड है जो कि क्विकली किसी भी टास्क को, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है. वी कैन से द सिनोनिम ऑफ अजाइल मे बी स्मार्टनेस, एनी एक्टिविटी, क्विकनेस एंड सो एंड सो. देन आपका यहाँ पे व्हाट इज रिमेनिंग, रिमेनिंग इज प्रोसेस मॉडल. तो दिस इज अ जनरल टर्म. मॉडल मीन्स कि सपोज आपको एक घर बनाना है, ठीक है, तो घर बनाने के लिए आप एक इंजीनियर के पास जाते हो, वो आपका एक आर्किटेक्चर बना के देगा कि सो एंड सो आपका ये बेडरूम है, ये सो एंड सो है. सिमिलरली अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे, इट मीन्स व्हाट कि आप एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जा रहे हो, तो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हर एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को क्लियर होता है बिकॉज आज के डे में आई मस्ट से इन 21st सेंचुरी ईच एंड एवरी पर्सन आइदर वो इस फील्ड से बिलोंग कर रहा हो या ना बिलोंग कर रहा हो, ईच एंड एवरी पर्सन इज यूजिंग मोबाइल, सेल फोन्स, लैपटॉप्स, वट एवर दे आर यूजिंग फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया अकाउंट्स. क्या है ये सारी चीजें? ये सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर है. सो यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूजिंग ऑल द फीचर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट द थिंग इज यू आर नॉट रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. तो हमें ये समझना है डियर फ्रेंड्स कि हमें अपने सिलेबस को उतना वास्ट लेकर नहीं जाना है बिकॉज अगर हम कभी लाइव इंटरेक्शन करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, बट स्टिल हर एक बंदे को इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए. तो आज का अगर हम टॉपिक देखेंगे डियर फ्रेंड्स, एजाइल प्रोसेस मॉडल, तो ये टॉपिक मेरा लेने का यही सिंगल मकसद है बिकॉज अगर आप यूजीसी एनटीएनएट की मैं बात करूँ, रिसेंट दिसंबर 2019 में इस पे ऑलरेडी क्वेश्चंस आ रहे हैं और कंटिन्यूअसली आ रहे हैं.
तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उस टॉपिक को ही टारगेट करना है जिससे आपको कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आ गए। सो लेट अस सी, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको सारा एजाइल प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगी। सपोज यू आर लिविंग इन व्हाट, यू आर लिविंग इन अ यूनिवर्स, आप एक यूनिवर्स में हो। यूनिवर्स में ईच एंड एवरी पर्सन के अपने टास्क अलग होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, कुछ बंदे ऐसे होंगे जो बिजनेस का टास्क करेंगे, कुछ ई लर्निंग के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और किसी और का कोई सो एंड सो सर्विसेज होगा। हर एक बंदा या हर एक डिपार्टमेंट आप ऐसे ले लीजिए, आइदर वो फाइनेंशियल हो, आइदर वो आईटी हो, आइदर वो प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज द एम ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, क्या होगा। किसी भी काम को करने के लिए आपका एक कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। तो जितने भी हमारे ब्रांचेस हैं, उन सारे ब्रांचेस का एक ही मकसद होता है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट और कैप्चर अ ह्यूज मार्केट सेगमेंट। इट मींस व्हाट, कि आप क्या करोगे, आप अगर मार्केट में उतरे हो तो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अगर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, इट मींस व्हाट कि आपको सबसे पहले एक ह्यूज मार्केट सेगमेंट को कैप्चर करना होगा। तो आप कैसे करोगे, सपोज अगर आपका कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, तो ऑलरेडी आपका कोको कोला है, पेप्सी है, सो एंड सो काफी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, तो आप उससे अलग जब तक मार्केट में लेके नहीं आओगे, आपकी अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कोई भी दूसरा बंदा उस पर स्विच जल्दी नहीं करेगा। इट मींस व्हाट, एजिलिटी मींस व्हाट, कि व्हाट एवर द वर्ल्ड इज चेंजिंग, आप उस चेंजिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने प्लान्स को, अपने प्रोसीजर्स को चेंज करें, अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करें। देन द क्वेश्चन कम्स हियर, व्हाई, व्हाई क्वालिटी शुड बी एम्फेसिस, और व्हाई you have single in that your profit should be maximized, because agar aapke highly customers hain then only aap market mein survive kar paoge। the single aim is ki aapko kya karna hai, jaise bolte atithi devo bhav, ki matlab agar koi customer aapke ghar mein aa raha hai, aap kya karoge, agar aapko pata hai ki aapko usse benefit hone wala hai to aap uske liye har ek wo kaam karoge jo aap kisi dusre ke liye nahi karte। सिमिलरली बिजनेस में भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं, कि बिजनेस में अगर हमें मालूम है कि ये इस बंदे से हमें फायदा होने वाला, तो हम कुछ ऐसा ही करेंगे जिससे कि हमारे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो। सो दिस वाज अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ एजाइल प्रोसेस मॉडल। आई होप आपको एक ओवरव्यू अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द सिलेबस पार्ट, बिकॉज आपको क्या करना है, मैंने जनरल टर्म समझाया, बट क्वेश्चन जो आएंगे आपको थोड़े टेक्निकल आएंगे, तो उसे हम अब देखेंगे। तो व्हाट इज अजाइल, अजाइल इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अप्रोचेस टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एम्फसाइजिंग इंक्रीमेंटल डिलीवरी, टीम कोलैबोरेशन, कंटिन्यूअल प्लानिंग एंड कंटिन्यूअल लर्निंग। दिस इज वेरी सिंपल लैंग्वेज रिटन, क्या क्या करोगे, इंक्रीमेंटल डिलीवरी करोगे, टीम में कोलैबोरेशन होना चाहिए, तभी तो आपका काम अच्छे से होगा। आप कंटिन्यूअसली प्लानिंग करोगे, कंटिन्यूअसली आपको लर्न करना है, अपने मिस्टेक से लर्न करना है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपका एक बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, दो बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, स्टिल आपको कंसिस्टेंट वे में अपने स्टडीज को कंटिन्यू रखना है और अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है। सिमिलरली अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो सॉफ्टवेयर बनाने में आप क्या करोगे, आप कंटिन्यूअसली रिविजन करोगे, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट हर एक दूसरे प्रोडक्ट से क्या हो, बेटर प्रोडक्ट हो। सो व्हाट इज अजाइल प्रोसेस मॉडल, तो लेट मी एक्सप्लेन विद दिस एग्जांपल डियर फ्रेंड्स, कि अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल मीन्स व्हाट, आप सबसे पहले कस्टमर से मीट करोगे, उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स आप उसको गैदर करोगे, देन उसके बेसिस पे आप एक प्रोटोटाइप बनाओगे, देन आप उस प्रोटोटाइप का अगर कस्टमर ने इवैल्यूएशन किया कि हाँ दिस इज द करेक्ट रिक्वायरमेंट दैट व्हाट आई एम रिक्वायर्ड, तो आप फिर क्या करोगे, उसकी डिजाइनिंग शुरू करोगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करोगे, एंड एट द एंड ऑफ द टास्क आप क्या करोगे, उसकी टेस्टिंग प्रोवाइड करोगे, और फाइनली फिर आप उसको कस्टमर के पास दोगे, किस लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए। तो ये एक सिनेरियो होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो इतना कॉम्प्लेक्स में आपको नहीं जाना, आप सिंपली सोचिए कि आपको एक काम करना, तो आप काम कैसे करोगे, कि आप ऐसे ही स्टार्ट कर दोगे, नहीं। अगर आपको एक छोटा सा सपोज अगर मैं बोलूंगी, अगर आपको टी मेकिंग का काम करना है और आपने इससे पहले कभी भी चाय नहीं बनाया, तो आपने एटलीस्ट सुना तो है कि चाय किस तरीके से बनाते हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करोगे, देन आप रेशियो मेजर करोगे कि किस रेशियो में कैसा बनाना है। सिमिलरली इफ यू आर गोइंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कौन सा इन्वॉल्व सेटेबल है, उसके लिए कितने आपको इम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा, किस तरीके से आप उसको प्रॉपर टेस्टिंग करोगे और डिलीवर करोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट अजाइल प्रोसेस मॉडल। तो इसमें अजाइल का मीनिंग क्या होता है, अजाइल मीन्स वॉट, चेंज रिक्वेस्ट क्विकली। इट मीन्स वॉट, अगर आपका इन्वायरमेंट डायनेमिक है,
डायनेमिक मीन्स व्हाट, उसमें डे टू डे चेंजेस हो रहे हैं, तो सारे चेंजेस आपके उस सॉफ्टवेयर में भी अडॉप्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब देखो, अब आप एंड्रॉयड मोबाइल पे आए थे, ठीक है। पहले अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो इवन सबके पास मोबाइल्स भी नहीं होते थे, तो हम क्या कर रहे, हम मार्केट के अकॉर्डिंग, हम एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने रिक्वेस्ट को चेंज कर रहे हैं, और जो भी कस्टमर के रिक्वेस्ट उसको क्विकली अडॉप्ट कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज कि मेन प्रिंसिपल ऑफ एजाइल मॉडल इज टू डिलीवर एन इंक्रीमेंट टू द कस्टमर आफ्टर ईच टाइम बॉक्स। इट मीन्स व्हाट, इसको मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। द एंड डेट ऑफ एन इटरेशन इज फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। इट मीन्स व्हाट डियर फ्रेंड्स, कि अब आप देखिए, जैसे रॉकेट लॉन्च होता है, ठीक है, रॉकेट लॉन्च होता है, जो हम देखते हैं इसरो और नासा वाले जो हमारे स्पेस में लॉन्च करते, क्या उनकी टाइमिंग चेंज होती है? नहीं चेंज होती। क्यों? क्योंकि उसमें इतना एफर्ट लगता है, उसमें इतना कॉस्ट इन्वॉल्व है, इतना इतना मटेरियल, इतना मैन पावर का लेबर उस चीजों में इन्वॉल्व होता है, कि आप उसमें एक सिंगल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, एक मिली सेकेंड में भी चेंज नहीं कर सकते हो। सिमिलरली जो एजाइल प्रोसेस मॉडल है, इसमें एक टाइम बॉक्स, मतलब आपको एक फ्रेम दिया जाएगा। आप ऐसा समझिए, आपको एक ये फ्रेम दे दिया गया कि अगर मैंने बोला है कि मुझे प्रोजेक्ट 15th जून को कंप्लीट होना चाहिए, इट मीन्स वो कि वो 15th जून को ही कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो 15th जून से 16th जून होगा, तो इट माइट बी पॉसिबल कि कस्टमर आपका कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल आप कर दे। तो आज आप सोच रहे हैं कि अगर आपको सपोज 1 करोड़ का बिजनेस है, 1 करोड़ का अगर आपने प्रोजेक्ट लिया, और किसी कस्टमर ने एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जो डिलीवरी में कुछ इश्यूज की वजह से अगर उसको कैंसिल करता है कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको कितना बड़ा ह्यूज लॉस होगा। तो इन सारी चीजों को दिमाग में रखकर ही ये एजाइल प्रोसेस मॉडल का कॉन्सेप्ट आया, जो नाउ अडेज जितने भी बड़े बड़े आईटी कंपनीज है, लाइक TCS, Infosys, HCL, इवन जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में हम आईटी का यूज करते हैं, वो सारे इस फ्रेमवर्क पे ही काम करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एजाइल प्रोसेस मॉडल, ठीक है। तो एजाइल मॉडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। तो व्हाट इज इटरेटिव मॉडल, व्हाट इज इंक्रीमेंटल, दैट हैज बीन ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस लेसन, सो प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो लेसन टुडे इटसेल्फ। देन रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, यूनिट टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये हमें ऑलरेडी पता होता है कि जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते हो, तो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रिंसिपल ऑफ एजाइल मॉडल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज क्वेश्चन इससे ही घुमा के पूछेगा डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट पॉइंट इज कि सेटिस्फाई द कस्टमर, हमने ऑलरेडी देखा। थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूअसली डिलीवरी ऑफ अवेलेबल सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द टीम एट द एंड ऑफ द इटरेशन, स्टेक होल्डर्स एंड द कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव रिव्यू द प्रोग्रेस मेड एंड री इवेलुएट द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ फ्रेंड्स, कि आप सोचिए, एक कॉम्प्लेक्स जब हमारे पास प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम में हम सॉल्व करते हैं एजाइल मेथड के थ्रू। तो इसमें क्या होता है कि आप सेटिस्फाई करोगे कस्टमर को, जैसा हमने पहले ही देखा, द मेन एम इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर। अब कस्टमर को आप कैसे सेटिस्फाई करोगे, जो भी उसका टाइम बॉक्स आपके पास है, उस टाइम बॉक्स में आपको अर्ली डिलीवरी करोगे, तो ऑब्वियसली कस्टमर आपका हाईली, जैसे मैंने एक सिनेरियो बताया कि 15 जून को अगर आपका प्रोजेक्ट का डिलीवरी है, अगर आप 16 को दोगे तो वो आपका रिजेक्ट हो सकता है, पर अगर आप 15 की जगह अगर 10 को ही डिलीवरी करते हो, इट मीन्स व्हाट, यू आर हाईली सेटिस्फाइंग योर कस्टमर। सो ये आपका बहुत ही अच्छा आपको फीडबैक मिलेगा। कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द टीम इज व्हाट, कि यहाँ पे जो टीम होती है, टीम कोलैबोरेशन में काम कर रही है, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट हेड होता है जो सबको कोलैबोरेट करेगा। इट रिलाइज ऑन वर्किंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इफेक्टिव टीम मेंबर्स एंड इनहांस्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम डेवलपमेंट मैनेजर। इवन जो एजाइल डेवलपमेंट होता है, वो आपका पेयर प्रोग्रामिंग में काम करेगा, एंड इसमें आपके सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स होते हैं। सो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम मतलब उनको आप एक बार टास्क असाइन कर दो, फिर बार बार उनको आपको टास्क बताने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट एजाइल प्रोसेस मॉडल। सो लेट मी टेल यू, ये अदर मॉडल से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जो अदर मॉडल्स है, रेदर देन डूइंग ऑल ऑफ वन थिंग एट अ टाइम, एजाइल टेंड्स टू डू अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग ऑल द टाइम। इट मींस व्हाट, इसमें आप एक पूरे टास्क को एक बार में नहीं करते, आप समझो एक वर्जन तैयार करोगे, फिर दूसरा वर्जन तैयार करोगे, फिर तीसरा वर्जन तैयार करोगे, और ईच इटरेशन में आप कस्टमर को प्रोडक्ट देते हो, इसलिए आपका इसमें हाईली क्वालिफाइड प्रोडक्ट्स बनता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेस सेशन। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, इवन यू कैन राइट मी मेल, वॉट एवर योर डाउट, वॉट एवर योर कन्फ्यूजन इज, एंड आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं विद द सेम नेम पीडीएफ के लिए। सो आपको ये लेसन कैसा लगा, प्लीज राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन।